केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी गूगल को बड़ा झटका दिया है। सुरक्षा कारणों से गृह मंत्रालय ने गूगल स्ट्रीट व्यू के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी स्ट्रीट व्यू अब भारत में 360 डिग्री वाली तस्वीरें नहीं दिखा पाएगा। आपको बता दें कि गूगल की ओर से इस बाबत अप्रैल 2015 में प्रपोजल आया था। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय और खुफिया विभाग का मानना है कि गूगल स्ट्रीट व्यू के चित्रों से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एक जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ये मंजूरी देने के हक में नहीं है, वो रणनीतिक लोकेशंस का हवाला दे रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का फैसला लिया है। सूत्रों ने बताया कि इस तरह की मंजूरी से विजुअल और चित्र का फायदा आतंकवादी भी उठा सकते हैं। तर्क दिया गया है कि 26/11 मामले में भी आतंकियों के आका वीडियो देखकर ही दहशतगर्दों को निर्देश दे रहे थे। गौरतलब है कि अगर आपके स्मार्टफोन में गूगल का स्ट्रीट व्यू ऐप है तो आप इसकी मदद से न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का हर कोना देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि मेडिसन स्क्वायर कहाँ है और 5th Avenue कहाँ पर है। बतौर यूजर अगर आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस की 360 डिग्री वाली तस्वीर भी देख सकते हैं स्ट्रीट व्यू पर। इसके अलावा लंदन का बकिंघम पैलेस भी 360 डिग्री के व्यू के साथ मौजूद है। सरकार की ओर से प्रस्ताव खारिज करने के बाद गूगल अब दुनिया को भारत के इस तरह के नज़ारे नहीं दिखा पाएगा। NMF News की रिपोर्ट।